नमस्कार, मैं निधि रतन। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, तस्वीर भारत की। इस देश में बहुजनों की जो हालात हैं वो बेहतर से बदतर की ओर जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो दावा करते हैं कि उन्होंने गरीबों के हित में, बहुजनों के हित में, महिलाओं के हित में, छात्रों के हित में बहुत काम किए। इन 8 सालों में वो दावा करते हैं कि हमने बहुजनों के लिए तमाम वो पॉलिसी बनाई जिसमें जाति भेदभाव को खत्म कर पाए। लेकिन जातिवाद तो एक अफीम की तरह है कि एक बार जो चटा दिया जाए उसका जहर रातों रात क्या पूरी जिंदगी नहीं खत्म होता। सोचिए हम कितने खेत खलियानों से होकर शहरों कस्बों की ओर आ गए, लेकिन जातिवाद का जो दायरा है वो उतना ही बड़ा होता जा रहा है। जातिवाद का जो भेदभाव है, जातिवाद के प्रति जो नफरत है वो उतनी ही तेजी से फैलती और देखती हुई नजर आ रही है। आज मैं बात करूंगी डॉक्टर रतनलाल की। डॉक्टर रतनलाल हिंदू कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में पोएट्री के प्रोफेसर हैं। किस तरीके से पिछले कुछ दिनों में वो चर्चा का विषय रहे कि शिवलिंग को लेकर उन्होंने एक टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी से लोगों की भावना आहत हो गई। आजकल इस देश में सच कहने भर से लोगों की भावना बहुत आहत हो रही है, और कोर्ट ने यह भी बोला था कि एक व्यक्ति की भावना आहत होने से ये मतलब नहीं कि पूरे समुदाय की भावना आहत हो जाए। लेकिन कुछ दंगाइयों ने, कुछ संघी गुंडों ने अगले दिन प्रोटेस्ट कॉल जारी किया जिसमें रतनलाल के विरोध में नारेबाजी हुई। प्रशासन की मौजूदगी में इस तरीके की चीजें हो रही थी, मात्र संसद से कुछ दूरी पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस तरीके की घटना होती है जहाँ पे लोग अपने सपने लेकर आते हैं, जहाँ पे लोग IAS, जज, कलेक्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने के लिए आते हैं, भारत का उज्जवल भविष्य बनने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर तो तस्वीरें कुछ और कह रही हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं साइड विंडो में, किस तरीके से संघी गुंडे आते हैं, नारेबाजी करते हैं, प्रोफेसर रतनलाल का पुतला जलाते हैं। सोचिए, कॉलेज प्रशासन खामोश रहता है, दिल्ली पुलिस खामोश रहती है, अमित शाह जी खामोश रहते हैं, दिल्ली सरकार खामोश रहती है, लेकिन इस पे कोई संज्ञान नहीं लेता। अब दूसरी बड़ी खबर आ रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज से। किस तरीके से कल रात जो है कि दलित युवकों की पिटाई की गई, और ये पीटने वाले जो लोग थे वो कोई दंगाई गुंडे नहीं थे, भारत के सबसे बड़े संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग थे। किस तरीके से जाति सूचक शब्द बोल रहे हैं, जाति के आधार पर पीट रहे हैं, आप ये बाइट देखिए। कम से कम 5 घंटे से हम यहाँ पे हैं और पुलिस अभी तक FIR करने को तैयार नहीं, और ना ही वो मना कर रही है कि वो FIR नहीं करेगी। तू चमार का बेटा या चमार का बच्चा करेगा पॉलिटिक्स, इस टाइप से। देखा आपने, हमारे साथी अनमोल प्रीतम ने इनका इंटरव्यू भी किया है। देखिए किस तरीके से वो बच्चे बोल रहे हैं, वो स्टूडेंट बोल रहे हैं जिनको पीटा गया था, कि कैसे जाति सूचक शब्द बोले गए थे। जय भीम को लेके बात शुरू हुई थी, प्रोफेसर रतनलाल का मुद्दा भी हुआ, डिस्कशन को लेके मारपीट होने लगी। सोचिए इस देश में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चों का ये भविष्य रह गया है कि अब जाति से, किसी पर्टिकुलर जाति से आते हैं तो आप अपनी बात नहीं रख सकते, आप अपने हित की बात नहीं कर सकते, आप अपने अधिकारों पे नहीं बोल सकते, आप संविधान की बात नहीं कर सकते। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए दिन दलितों पे हमला हो रहा है, 5 घंटे से छात्र थाने में बैठा रहा, लेकिन उसकी दिल्ली पुलिस FIR तक दर्ज नहीं कर रही है। सोचिए, दलितों को इंसाफ देने का वादा कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, लेकिन उन दावों में असल तस्वीरें क्या है भारत की, वो आप खुद ही देख लीजिए कि भारत में, उस हिंदू राष्ट्र में जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी दलित हितैषी बनती है, आए दिन पैर धोकर अपने आप को बहुत दलित हितैषी बताने का प्रयास करती है, झाड़ू पकड़कर वाल्मीकि समाज को इम्प्रेस करती है, लेकिन जब बात दलित बच्चों की आती है, दलित बच्चों के भविष्य की आती है, तो ऐसे दंगाइयों की, ऐसे संघी गुंडों की हिम्मत कहाँ से बढ़ती है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि प्रशासन इनके साथ होता है, प्रशासन की मौजूदगी में आए दिन इस तरीके की घटना होती है, लेकिन सब खामोश रहते हैं, और घटना के बाद भी, मारपीट के बाद भी उनकी FIR तक नहीं की जाती है। सोचिए, ये जातिवाद का जहर नहीं तो क्या है? अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं, अगर आप OBC हैं, अगर आप माइनॉरिटी हैं, अगर आप ट्राइबल हैं, तो इस देश में आपके लिए सिर्फ घंटा बजाने के अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ आप ताली थाली बजाने से
आपका काम नहीं चलने वाला। आप सोचिए कि आपके आने वाले बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएंगे तो संगी गुंडे उनको बोलने से रोकेंगे, उनको पढ़ने से रोकेंगे, उनको लड़ने से रोकेंगे, उनको सोचने से रोकेंगे, और इस तरीके से हमारी जो आने वाली नस्लें जो जिस तरीके से स्ट्रगल कर रही है, अभी तो हमारी एक पीढ़ी आने का प्रयास ही कर रही थी और उसी से ब्राह्मणवाद मनुवाद को परेशानी होने लगी। सोचिए किस तरीके से ये लोग संगी गुंडों को आगे कर कर हमारे बच्चों को किस तरीके से बर्बरता के साथ पीट रहे हैं। साथ ही अनमोल प्रीतम लिखते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में दो दलित छात्रों पे हमला, रामजस कॉलेज में एबीपी के छात्रों ने किया हमला, घायल छात्र अमन ने बताया कि हमें दलित होने के नाते टारगेट किया गया, हमको जाति सूचक गालियां दी गई, प्रोफेसर रतनलाल की जमानत के बाद डीयू में आखिर दलित छात्रों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। आपने वीडियो देखा होगा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, इनफैक्ट मेरा ही वीडियो वायरल हो रहा है कि मैंने संगी गुंडों को दौड़ाया, जबकि बात ये नहीं थी। मैं पूरी बात आपको बताती हूँ कि मैं रिपोर्टिंग के दौरान हिंदू कॉलेज गई थी, जिस तरीके से प्रोटेस्ट कॉल जारी किया था संगी लोगों ने, उसको कवर करने गई थी, उसी के दौरान मेरा कैमरा माइक छीन कर गिरा दिया जाता है, मेरे ग्रेबान को पकड़ लिया जाता है, जब मैं उसका कॉलर पकड़ कर रोकने की कोशिश करती हूँ तो वो लोग थार गाड़ी से भाग जाते हैं। सोचिए आए दिन शिक्षक खतरे में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर सुरक्षित नहीं है, आप अपनी बात कहेंगे तो छात्र सुरक्षित नहीं है, अगर आपकी बात को कोई उठाएगा तो पत्रकार सुरक्षित नहीं है, बहुजन समाज की स्थिति ये हो गई है। सोचिए अमन जैसे बच्चे के साथ जिस तरीके से बर्बरता हुई, इसके लिए बहुजन समाज के तमाम जो संगठन है बहुजन हितैषी बनने का जो दावा करते हैं, उनको आगे आकर सरकार से सवाल करना चाहिए कि आखिर हमारे बच्चों के साथ इस तरीके की बदसलूकी क्यों हो रही है। अगर यही कोई बदसलूकी किसी मनुवाद बच्चे के साथ हुई होती या किसी ब्राह्मण समाज के या अपर कास्ट के बच्चे के साथ हुई होती तो रातों रात संज्ञान लिया जाता, पुलिस एक्टिव हो जाती, और किस तरीके से अगर पीटने वाले शेड्यूल कास्ट होते तो उनको बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना जाँच पड़ताल के किस जेल में डाल दिया जाता, और हो सकता है कि एनकाउंटर ही कर दिया जाता। जिस तरीके से दलित पिछड़ों के साथ आए दिन गुंडागर्दी हो रही है, कैंपस के बीच में इस तरीके से बर्बरता करना, मारपीट करना, इसलिए रामजस के प्रशासन, कॉलेज प्रशासन को आगे आना चाहिए, बच्चों के हित में आकर अपना संज्ञान देना चाहिए और इस पे तुरंत कार्रवाई की जाए कि आरोपियों को अरेस्ट किया जाए। आखिर इस तरीके की मारपीट करना, जाति सूचक शब्द कहना, जाति के आधार पे किसी के साथ मारपीट पे उतर जाना, ये कहाँ का इंसाफ है। सोचिए इस देश में हमें हमारा संविधान आज़ादी देता है कि इस देश में हर व्यक्ति अपने विचारों को रख सकता है, लेकिन इस देश में अब बहुजनों की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है, चाहे प्रोफेसर रतनलाल की बात हो, चाहे निधि रतन, इनफैक्ट मेरी खुद की बात हो, चाहे अनमोल प्रीतम की बात हो, चाहे अमन जिस तरीके से रामजस में अमन के साथ हुआ, वो बहुत ही सोचने वाला और गंभीरता का विषय है कि हमारे समाज, हमारे बहुजन समाज के बच्चों के साथ जाति के आधार पे कब तक बर्बरता होती रहेगी। जातिवाद की जो जड़ें हैं वो किस तरीके से अपने दायरा को बड़ा कर लेती हैं, अगर हम गांव कस्बों से उठकर शहरों में आते हैं तो जातिवाद भी उतनी बड़ी हो जाती है, जातिवाद का जो भेदभाव है वो उतनी ही तेजी से अपनी चरम सीमा पर होता है। आपकी इस जातिवाद पे डीयू के कॉलेज के, डीयू के जाने माने कॉलेज रामजस में इस तरीके की बदसलूकी होना और आए दिन दलितों पे अत्याचार होना, ना प्रोफेसर सुरक्षित है, ना छात्र सुरक्षित है, ना पत्रकार सुरक्षित है, इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? क्या हमें सचमुच अब यूनाइट होने की ज़रूरत है? क्या हमें एकजुट होकर बोलना चाहिए? तमाम जो भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग गुटों में हमारे समाज को धर्म के नाम पर बांट दिया है, हमें वो धर्म की चादर आँखों से हटाकर उतार कर फेंकनी पड़ेगी और हमें एकजुट होकर अपनी बात बोलनी पड़ेगी, तभी हमारे समाज को, तभी अमन जैसे बच्चे को इंसाफ मिल पाएगा। और नेशनल दस्तक कोशिश करेगा कि अमन का जिस तरीके से रामजस में इंसिडेंट हुआ उस पर पूरा इंटरव्यू आपको दिखाया जाए। आपकी पूरी इन खबरों पे क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी राय जरूर दें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।